हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फाइनेंस मैनेजर जो होता है एटलीस्ट किसी फर्म या किसी बिजनेस यूनिट में कौन कौन से फंक्शंस को जो है वो प्रोवाइड करता है, कौन कौन से फंक्शंस को ऑपरेट करता है, उन फंक्शंस की थोड़ी सी नॉलेज जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि FM का क्या रोल है किसी भी बिजनेस यूनिट में। तो ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस यूनिट का एक कॉर्नर स्टोन होता है। कॉर्नर स्टोन मीन्स इट इज़ मेक द बैलेंस फ्रॉम द टू साइड्स योर टू एजेस की। कॉर्नर हमारा क्या होता है, वर्टेक्स किसी चीज़ की का होती है जहाँ पर आपकी टू एजेस मीट्स करती है। तो इट मीन्स फाइनेंस भी जो है वो किसी भी बिजनेस यूनिट का एक कॉर्नर स्टोन है और किसी भी फर्म के जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसका एक प्राइम गोल होता है कि वो फर्म को इस मैनर में ऑर्गेनाइज करे कि प्रॉफिट जो है फर्म के उसको प्रॉफिट को जो है इंक्रीज कर सके और जो है फाइनेंस का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन पॉसिबल कर सके। अगर वो प्रॉफिट को उसका मेन रोल होता है, मेन फंक्शंस होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसको फर्म के फाइनेंस को प्रॉपर वे में मैनेज करना होगा, उसका यूटिलाइजेशन करना होगा। तो ये उसका काम है कि वो फंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे ताकि वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए उसको जो है वो एक इफेक्चुअल फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ ए इम्परेटिव फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना किसी भी फर्म के लिए जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है एज इट लीड्स टू एनहेंच प्रॉफिट, क्योंकि वो किसके लिए काम करता है, उस बिजनेस के उस फर्म के प्रॉफिट को एनहेंच करने के लिए काम करता है और रिडक्शन इन कॉस्ट का जो है ऑपरेशनल कॉस्ट उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो FM जो है एक बेटर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो फर्म की कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करे, ऑपरेशनल कॉस्ट को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, प्राइम कॉस्ट को, और उस फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज करे, इनहेंच करे, ये उसकी होती है। ए मैनेजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि जो भी आपका पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें ये जो होता है उस टीम का कैप्टन जो होता है, हम इसको वो मानते हैं। ये टोली जो भी आपकी उच्च प्रबंधकों की टोली है उसका शीर्षस्थ प्राणी होता है, शीर्षस्थ व्यक्ति होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये इसकी पहुँच जो होती है वो अपर मैनेजमेंट तक होती है, हाईएस्ट लेवल तक इसकी पहुंच होती है और ये उनमें से सबसे सुपीरियर फंक्शन होता है। तो फाइनेंस मैनेजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए FM का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एज ई मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, बिकॉज जो FM होता है इट इज़ मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। तो जो भी उस बिजनेस यूनिट के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी कंपलसरी होगी जो एक्टिविटीज़, उन सभी एक्टिविटीज़ की जो रिलेशनशिप होती है वो फाइनेंस मैनेजर से होती है। देर आर मैनी फंक्शंस दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ एक्सेप्टेड टू परफॉर्म। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में, जो एक फर्म के फाइनेंस मैनेजर को ऑपरेट करने पड़ते हैं उसके सक्सेसफुल ऑपरेशंस के लिए। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो उसमें सबसे पहला आता है कि उसको जो भी कैपिटल की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उसका उसको एस्टिमेशंस लगाना पड़ेगा। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, ताकि कोई भी बिजनेस यूनिट जो है वो प्रॉपर वे में अपने फंक्शंस को हेल्ड कर सके। तो यहाँ ये फंक्शंस इम्पॉर्टेंट है कि टोटल एस्टिमेशंस का जो फंक्शन होगा वो भी FM का ही होगा कि वो एक ऐसा एस्टिमेशंस लगाए कि प्रॉपर मैनर में कैपिटल का कलेक्शंस उस बिजनेस यूनिट में हो सके। तो द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर इज टू एस्टिमेशंस ऑफ द कैपिटल। उसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कैपिटल का एस्टिमेशंस लगाना कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या है और कैसा करना। बिकॉज फंड आर रिक्वायर फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, क्योंकि फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो। किसी भी बिजनेस यूनिट को टू टाइप्स के फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है इट इज़ वर्किंग कैपिटल्स की नीड्स होती है और लॉन्ग टर्म जो होता है वो फिक्स्ड कैपिटल्स की नीड्स होती है। तो टू टाइप्स की कैपिटल कलेक्ट करने के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल कैपिटल कलेक्शंस के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज का सिलेक्शंस किया जाता है। तो FM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनका एस्टिमेशंस लगा ले कि कितनी फर्म में लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है और कितनी शॉर्ट टर्म की है।
द रिक्वायर्ड कैपिटल इज सो दैट इट कैन नॉट मीट इट लाइबिलिटीज, इट कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज. तो रिक्वायर कैपिटल्स फर्म की इतनी होनी चाहिए, सफिशियंट अमाउंट में होनी चाहिए कि फर्म अपनी टोटल लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सके विथ नो डिले. किसी भी तरह का कोई भी डिले जो है वो फर्म की लाइबिलिटीज को फुलफिल करने में नहीं हो. इट मीन्स इतने एफिशिएंसी होनी चाहिए रिसोर्सेज की कि फर्म अपने हर कमिटमेंट को टाइम पर पूरा कर सके. बेनिफिट फ्रॉम द अर्ली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दूसरा उसको बेनिफिट मिल सके जो भी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. किसी भी तरह का कोई अवसर आया और आप पैसे के अभाव में, वित्त के अभाव में उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पाओ, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. पे फॉर रिसोर्सेज, जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो भी हायर किए हैं, जितने भी रिसोर्सेज है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एटलीस्ट आप उन रिसोर्सेज को वापस पे भी कर सको. और भी आपने बहुत से रिसोर्सेज हायर किए होते हैं तो उन सभी रिसोर्सेज को पे कर सको, इतने आपके पास जो है फंड अवेलेबल होने चाहिए. उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट निकल जाए आपकी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस, सैलरी, अदर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, तो सारे आपके एक्सपेंडिचर निकल जाए, इतनी आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है. सफिशियंट कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर सो दैट फर्म कैन फेस एनी क्राइसिस लाइक रेसेशंस एंड बॉटलनेक्स. अब अगर फर्म के पास सफिशियंट फंड है, पर्याप्त मात्रा में फंड है फर्म के पास, तो फर्म जो है कोई भी एक स्पेशल सिचुएशन आए, कोई भी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो फर्म में, अगर आपके पास फंड है तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे क्राइसिस आ गए, रेसेशंस आ गया, तो आपके पास अगर फंड की अवेलेबिलिटी बेटर अमाउंट में है तो आप उससे बाहर निकल सकते हो, इन सभी सिचुएशन को फेस कर सकते हो. और अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट में फ़ंड नहीं है तो आप किसी भी जो कैपिटल की जो भी सिचुएशन है उसको आप फेस नहीं कर सकते. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, मोस्ट एंश्योर दैट द अर्निंग रेट इज़ हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द बोरोवर अमाउंट. अब यहाँ पर आपको ये देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपको किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करना, उसका डिविजन करना है. आप कैपिटल स्ट्रक्चर में किसको ले रहे हो? कैपिटल स्ट्रक्चर्स मींस द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोंड, डिवेंचर्स, दीज आर नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इन विच वी इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज, जिसमें आपने वेरियस टाइप्स के जो सोर्सेज है उसको इंक्लूड किया है, तो दिस इज नॉन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. इसको पूंजी संरचना के नाम से जानते हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स का जो डिटर्मिनेशन होगा वो भी FM की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना बेटर एक जो है ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करें जिसमें आपकी कॉस्ट तो है वो लोअर आए, जो भी आपके इस कैपिटल को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो लोअर आए, आपकी इंटरेस्ट रेट लोअर हो, और यहाँ से जो आपको अर्निंग हो रही है इस रिसोर्सेज के बिहाफ पे, वो अर्निंग जो है वो आपकी हाई हो और आपकी कॉस्ट जो है वो लोअर आए, ऐसे एफर्ट्स जो है वो FM को लगाने चाहिए. ए फाइन कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर प्रॉफिट. अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही बेस्ट है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो कि आप आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सस्ते दामों पर पूंजी प्राप्त कर ली है. इससे क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है एटलीस्ट उसको आप मैक्सिमम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो. उसके बाद है सोर्सेज ऑफ राइजिंग फंड, की कभी स्पेशल कंडीशन आ गई, आपको सोर्सेज को राइज करना पड़ा, फंड को कलेक्ट करना पड़ा. फॉर द प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजर इट इज़ इम्परेटिव टू फाइंड वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फर्म कैन रेस फर्म. अब FM की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरियस सोर्सेस को आइडेंटिफाई करें जहाँ से फर्म अपने फंड को रेस कर सकती है, फंड को बढ़ा सकती है, फंड प्राप्त कर सकती है. तो उसको डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल है, एटलीस्ट उन सोर्सेज को चूज़ करना पड़ेगा कि लोन लें, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लें, रिलेटिव से लें, फ्रेंड से लें, उसके बाद बॉन्ड इशू करें. तो बॉन्ड आपके लॉन्ग टर्म के होंगे या शॉर्ट टर्म के होंगे, तो ये उसको सारे सोर्सेज को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से जहाँ से फर्म को फंड की अवेलेबिलिटी जो है वो इजी गोइंग हो सके. द ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज फंड थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज. अब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत से सोर्सेज होते हैं जिससे वो फंड को इंक्रीज कर सकती है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन और अदर सोर्सेज से भी आप लोन लेकर के अपने फंड को रेज कर सकते हो। फंड कैन बी रेज फॉर द शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग पीरियड। आपको दोनों प्रकार के फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म में भी रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप दोनों टाइप्स के फंड को जो है वो प्रॉपर मैनेज में करो। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ फंड। व्हाइल एक्विजिंग द फंड फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स टू फॉलो सम बेसिक स्टेप्स। अब अगर आपको फंड का एक्विजिशन करना है तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज लेनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो भी रिक्वायरमेंट है आपको उन सबको मिक्सअप कर करके एक लीगल फॉर्मेट में जो है वो न्यू आपकी कैपिटल क्या होगी, नई पूंजी क्या होगी, एटलीस्ट आपको उसका एस्टिमेशंस लगाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशंस। जब दो फर्म का एक्विजिशन हो रहा हो तो रियल में कुछ बेसिक नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो FM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे और एक प्रॉपर मैनर में डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार प्रिपेयर करे, जिसमें वो ए बी सन्स की जो कैपिटल है नई कैपिटल एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर पाए। ही माइट ऑल्सो नीड टू नेगोशिएट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो गाइडेंस भी ले लेनी चाहिए। द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मार्केट कंडीशंस और मार्केट की कंडीशंस का उस पर उसकी फर्म पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ऐसा एक्विजिशंस वैलिड भी होगा या नहीं होगा, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, वो न्यू कंपनीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं या वो पुरानी कंपनीज़ में ही बने रहेंगे, या उनकी चॉइस ही नहीं है, वो अपनी कैपिटल को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो जो भी कुछ होगा हो वो सारी प्रोसेस जो है उसमें मार्केट कंडीशन पे रिसर्च करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या करेगी कि ऐसा एक्विजिशंस वैलिड भी होगा या नहीं होगा, और इन्वेस्टर्स की चॉइस क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो यहीं बने रखना चाहते हैं या वो नई फर्म में जाना चाहते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कि FM की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रॉपर अमाउंट, जो भी फंड की अवेलेबिलिटी है, एटलीस्ट उन फंड को वो प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज्ड करें। इट इज़ द टास्क ऑफ FM टू एंश्योर दैट द फंड आर इन्वेस्टेड वाइजली सो दैट द गार्नर ऑफ मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब FM की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज आपने कलेक्ट किए हैं एटलीस्ट आप उनको इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो कि आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग की जो कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हो सके, ताकि आप मैक्सिमम जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सको। तो जो भी फंड आप इन्वेस्टेड कर रहे हो वो उनको आपको वाइजली करना चाहिए, बेनिफिशियली करना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च के बाद आप उनको उन फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाइल इन्वेस्टिंग द फर्म मस्ट टेक केयर ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते समय एक भी जो FM है उसको ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी की, क्योंकि पैसा इन्वेस्टर्स का है, इन्वेस्ट आप कर रहे हो तो आपको उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर सेफ्टी रहे, जितना इन्वेस्ट किया एटलीस्ट उतना तो वो बना ही रहे। उसके बाद आता है उसमें कि आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करो कि प्रॉपर उसको जो है रिटर्न भी अच्छा मिलता रहे, तो जब अच्छा रिटर्न मिलेगा तो इन्वेस्टर्स खुद भी जो है वो होगा। उसके बाद लिक्विडिटी बनी रहे कि वो जब भी अपना पैसा वापस लेना चाहता हो इजी गोइंग उसका जो सिक्योरिटी है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। द फंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन सच वे दैट द फर्म डज नॉट फेस एनी शॉर्टेज ऑफ नियर फ्यूचर। फंड को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि फर्म को ये प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़े इन फ्यूचर में कि कहीं ना कहीं फंड की जो है वो शॉर्टेज आ रही हो। नेक्स्ट आता है डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉफिट कि इफेक्चुअल फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द फंड। सबसे पहले जो भी एक इफेक्टिव FM होता है वो आपके पूरे फंड को एनालाइज्ड करता है कि फंड कहाँ से आया, कितना आया, कितना आएगा, किस रेट से आएगा। That can be invested for proper earning, ताकि वो क्या कर सके, वापस उसको proper manner में किसी working organizations पर जो है उसको invest कर सके, and distributing the rest among the shareholder, और जो कुछ बात का बची है आपकी return उसको आप shareholder पर distribute कर सको। तो FM की responsibility है कि वो fund को पूरे तरीके से analysis करे, उसका अच्छे से विश्लेषण करे, उसको proper manner में किसी working organization पर उसको invest करे और बाकी के को इस अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे कि शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिल जाए। द फर्म अर्निंग मस्ट बी इन सच वे दैट लार्ज पोर्शंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग इन्वेस्टर्स।
आप फंड का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करो कि जो लार्ज अमाउंट है हमारे फंड की, एटलीस्ट उसको आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। मैनेजिंग द अवेलेबल ऑफ कैश। FM needs to manage the cash in such way that there is neither shortage nor surplus. अब FM की responsibility है कि आपके पास जो भी cash की availability है उस cash को आप इस manner में use करो, utilized करो कि कभी भी firm में shortage की condition नहीं आए और surplus fund भी नहीं हो। shortage आया तो आप opportunity को gain नहीं कर पाओगे, और अगर सरप्लस आया तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हाई हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशंस बेकार है, हमें प्रॉपर मैनर में यूज़ करना है, ना तो सरप्लस की कंडीशंस क्रिएट करनी है और ना ही जो है वो शॉर्टेज की कंडीशंस क्रिएट करनी है। एंड डेली एक्सपेंसेस कैन बी मीट विदाउट एनी हैसल्स। और आपके जो डेली के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रूटीन के जो फर्म में एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एटलीस्ट आप उन एक्सपेंडिचर को भी एक प्रॉपर मैनर में फुलफिल करने में एलिजिबल हो सको, कैपेबल हो सको। दिस कैन बी डन फॉर फोरकास्टिंग ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड बैलेंसिंग दे। अब ये कब पॉसिबल है? व्हेन देन FM इज़ एलिजिबल टू फोरकास्टिंग, वो इतना एलिजिबल हो कि उसकी फोरकास्टिंग की कैपेसिटी हो, एंड ही और शी कैन मैनेज द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ऑफ द फर्म, कि फर्म में कितनी इनकमिंग होगी, कितनी आउटगोइंग होगी, और वो इन दोनों में एटलीस्ट एक बैलेंसिंग फिगर बना सके कि जब आपकी इनकमिंग हुई उसके बाद ही आप आउटगोइंग जो है वो फिक्स करो। तो इस तरीके से आप कैश फ्लो के माध्यम से भी फंड को मैनेज करवाओगे। द मैनेजर मस्ट एंश्योर दैट द सफिशियंट फंड आर ऑलवेज अवेलेबल टू परचेज मटेरियल एंड इन मीट डेली एक्सपेंसेस। और आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करना FM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतने फंड की अवेलेबिलिटी डेली में रखे ताकि फर्म जो भी आपको रॉ मटेरियल कुछ भी परचेज करना है तो आप एटलीस्ट मटेरियल को परचेज कर सको, और डेली की जो आपकी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, एटलीस्ट उस बेसिक नीड्स को आप ईजी वे में फुलफिल कर सको। उसके बाद होता है कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। FM involve evaluation and control of the financial performance of an organization. FM की responsibility होती है कि वो पूरा evaluation करे कि उसने कैसे fund allocation किया, कितना utilization हो रहा है, क्या condition है, कितना return आया। उसके बाद इन सब को देखने के बाद उसको अपनी controlling की जो process है एटलीस्ट उसको high कर देना चाहिए अगर requirement है तो। जो आपका स्टैंडर्ड जो इवेल्युएशन था उससे और रियल इन्वे जो आपकी एफिशिएंसी आई है, अगर इन दोनों में डिफरेंस लग रहा हो, स्टैंडर्ड हाई था और रियलिटी लोअर आई है, तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस को उसको हाई कर देना चाहिए ताकि जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की एटलीस्ट उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। दिस इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग फाइनेंस कंट्रोल टेक्निक्स। अब उसको इसके लिए उसको फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए उसको कुछ फाइनेंशियल जो टेक्निक्स अवेलेबल है एटलीस्ट उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसे ऑडिटिंग कर देनी चाहिए, टोटल जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके उन सभी की जो है वो प्रॉपर मैनर में ऑडिटिंग होनी चाहिए। ब्रेक इवन एनालिसिस उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वेयर कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर इक्वल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशंस हो, एंड एनालिसिस द कॉस्ट, और उसको उस अपने जो फर्म जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एटलीस्ट उसकी कॉस्ट को भी इवेल्युएट करना चाहिए। इस मैनर में वो फंड को कलेक्ट जो है वो कर सकता है। फाइनली RIO इज मेजर इन विच डिसिपर्स वेदर द कंपनी इज इनकर्ड और प्रॉफिट और लॉस। अब जब उसने फाइनली अपने सारे जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर लिया तो आप ये कह सकते हो कि फर्म की कंडीशंस क्या है, फर्म प्रॉफिट में है और लॉस में रनिंग कर रही है। अब ये आपके पास समरी है कि इसमें FM के जो फंक्शंस हैं उसका सबसे पहला उसको इफ़ेक्टिव मैनर में मैनेज करना चाहिए, फाइनेंस मैनेजर्स का जो भी कोर्सेज है उसको ऐसा कैंडिडेट लेना चाहिए जिसको सारी पोजीशंस के बारे में पता हो, पूरी परफॉर्मेंस के बारे में पता हो। तो दिस इज़ द फंक्शन, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर।